तो वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं जाने वाला हूँ अनदर मोटो ब्लॉग के लिए। बस भवाली से नैनीताल हम लोग जाने वाले। तो एक्चुअली प्लान ये है कि वासु ने नई बाइक ली है और मैंने कहा चलो उसका थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। तो अभी मेरे साथ आ चुका है काना और हम लोग अपनी जर्नी शुरू करने वाले। सो चले काना, लेट्स गो मैन। मैं हूँ अभी DSA में नैनीताल एंड ये है यहाँ का फुटबॉल ग्राउंड या क्रिकेट ग्राउंड, जो भी बोलना चाहिए आप। एंड अभी मैं रिव्यू करने वाला हूँ अपाची 164 वी 2023 एडिशन का एंड मेरे सामने खड़ी है अपाची। तो लेट्स स्टार्ट दिस रिव्यू। तो मैं हैरी अभी दो जने बैठ के इस गाड़ी के स्टंट पे लाइक स्टेप तक लेने वाले। और ये गाड़ी है वैसे वासु की, उसने नई गाड़ी ली है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें मिल जाते हैं आपको बेसिकली तीन मोड, ये आपका मोड का बटन है। एंड यहाँ पे देखिए ये अब है स्पोर्ट्स मोड एंड देन ये है रेन मोड और ये है अर्बन मोड फॉर सिटी राइड। आपको मोड्स यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो क्या लगता है कि ये यानी R15 है और जो MT है उन्हें लाइक कंपटीशन देने के काबिल है ये गाड़ी? यार मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि यार इसमें मे बी पावर हो लेकिन इनिशियल उतना ना हो, यानी टॉर्क उतना ना आए। सही आ रहा है? और हाँ इसमें तीन मोड है, तो बेसिकली पहला है रेन, दूसरा है अर्बन और तीसरा है स्पोर्ट्स मोड। तो हम लोग यहाँ पे इसे चेक करने वाले अभी स्पोर्ट्स मोड पर, क्योंकि हम ग्राउंड के अंदर है, हम सेफली इस गाड़ी को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और हम इसे दो जनों में यूज़ करेंगे। हरी आ जा। बस इस आदमी को फुटबॉल ही खेलना आता है। एक बार मैं हरी से कंफर्म कर लेता हूँ। हरी व्यू पूरा आ रहा है जी, बढ़िया। और हमारा लक स्पीडोमीटर सही आ रहा। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मैं इसे सिर्फ सेकंड गियर तक चैलेंज करूँगा, ठीक है? एक्चुअली थोड़ा इस ग्राउंड में रेता ज़्यादा है, तो मैं ज़्यादा इसे पावरफुल तरीके से उठा नहीं रहा हूँ। हाँ
सीटिंग कंफर्ट की बात करें तो ये गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है, एंटी और इसके कंपेरिजन में आर्मी बाइक है, ये फैमिली बाइक बोल सकते हैं इसे, और पावर तो है ही इसमें। तो पावर के लिए तो इसमें दे रहा है, नहीं कि अच्छी गाड़ी है और अच्छा खींच भी रही है, लो साइकिलिंग स्थिति के हिसाब से काफ़ी अच्छा खींच रही है। एंड मुझे लगता है कि सेकंड गियर में 60 को टच कर ही देंगे, क्योंकि ग्राउंड छोटा पड़ जा रहा है, एक्चुअली मैं पूरी तरह से एक्सीलेशन नहीं दे पा रहा हूँ गाड़ी का। बट मुझे ऐसा लगता है कि गाड़ी में काफ़ी पावर है। हाँ थोड़ा नीचे मुझे हल्का लग रहा है क्योंकि ग्राउंड छोटा पड़ जा रहा है, पर ये टॉपन नहीं छुपा रही अपना छोटे गियर का भी। कि अगर इसकी माइलेज की बात करें तो माइलेज अब तक मैंने देखा है नहीं, बट बाकी से यदि पूछ के बताता हूँ कि अराउंड 11-15% माइलेज दे दे रही है। और हम लोग डी एस एन इसलिए आए क्योंकि यार रोड पे करना मतलब मुझे उसका जमीन नहीं लगा है, और अगर हाँ ये प्लेन का हाईवे होता तो मैं जरूर इसका लाइक पूरे गियर चैलेंज लेकर इसके सारे गियर को ओपन करता, बट थोड़ा सा ही अंतर होता है मैं मानता हूँ समझदारी और बेवकूफ़ी में। और अगर मैं पहाड़ों पे इसे भाग के चेक करूँ तो ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि एक तो मुझे टायर पतले होते हैं। अच्छा टायर पतले से मुझे एक चीज याद आई कि इस गाड़ी में दोनों डुअल चैनल ABS आते हैं और आपको ABS ऑफ करने का ऑप्शन भी मिलता है। एंड मुझे नहीं लगता कि 160 या 150 चलने की कोई और गाड़ी है जितना आपको मोड्स मिल जाते हैं, तीन तीन मोड्स मिल जाते हैं। तो ये गाड़ी माइलेज में अच्छी है, सेटिंग कंफर्ट में अच्छी है, फीचर चॉइस अच्छी है, एलईडी लाइट मिली थी आपको, तो मुझे लगता है कि परफेक्ट गाड़ी है कॉलेज बॉयज के लिए या फिर फैमिली वालों के लिए, क्योंकि इसमें बहुत कम्फर्ट है एज कम्पेयर टू अनदर। बट हाँ अगर आप हाँ अभी मैंने बहुत यूनिक की थी क्योंकि देखिए गाड़ी स्टैंड पर है, तो यहाँ पे दिखाई कि गाड़ी स्टैंड पर है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर अपाची RTR 164V। स्मॉल सीसी सेगमेंट की बीस्ट बोल सकता हूँ मैं इसे। हाँ इनिशियल मुझे इसका थोड़ा हल्का लगता है एज कम्पेयर टू R15 और MT, बट लेकिन टॉप एंड अच्छा दे रही है गियर के हिसाब से, लाइक सेकंड गियर स्पोर्ट्स मोड में 64-63 शू दे रही है, तो बहुत अच्छा है और माइलेज भी अच्छा है इस गाड़ी का। दैट हर्ट थिंग की हैंडल बहुत कंफर्टेबल है, अगर आप लॉन्ग टूरिंग भी कर रहे हो लाइक फैमिली के साथ इजीली, यानी 100-150 किलोमीटर जा रहे हो तो आपके हाथों में कहीं से या आपको बैठने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली फैमिली के साथ। बाकी इसके लुक्स अगर मैं बात करूँ तो लुक्स बहुत प्यारे हैं, लाइक मुझे इसका स्लीक डिज़ाइन है, तो अगर मैं एस कंपेयर करूँ बगल में ड्यूक खड़ी है और इधर ये अपाची खड़ी है, तो ये दोनों यानी लाइक ट्विन्स लग रहे हैं, भाई बहन टाइप, छोटा भाई बड़ा भाई। और पावर में भी मुझे लगता है कि वैसे कुछ वर्क कर रहे हैं दोनों, काफ़ी उनका लुक सिमिलर सा दिख रहा है मुझे साइड से दोनों के स्लाइडिंग, तो ओवरऑल मैं इसे अच्छी गाड़ी बोलूँगा।